हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी चैनल आई एम पूनम फ्रॉम एमएन एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर मेरे साथ आप आज कवर करने जा रहे हैं ऑर्ट टू दी वेस्टवें बाय पीबी शैले जिनका पूरा नाम था पार्सी पे शैले तो जानते हैं हम सबसे पहले कि ऑट क्या होता है ऑट एक इलेबोरेटेडली स्ट्रक्चर्ड पोइट्री होती है जिसमें किसी एक इवेंट या इंडिविजुअल को बहुत ही ज्यादा प्रेज किया गया होता है क्लोरीफाई किया गया होता है डिस्क्राइबिंग इंटेलेक्चुअली द क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन एज पर द नेचर एज पर द इमोशन ऑफ द राइटर तो और बेसिकली किसी एक एंटिटी को डेडिकेटेड एक पोइट्री होती है उसकी क्वालिटीज को बहुत ही इलेबरेट लेवल पर लोगों तक पहुंचाना रीडर्स तक पहुंचाना सो दिस इज वॉट बेसिकली ऑट मीन्स सो लेटस मूव फर्दर एंड सी वॉट एल्स इज इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये पोएट्री एक और है. इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा इस पोएट्री में तो सबसे पहले जानते हैं कि इस तरीके की पोएट्री लिखने वाले इन्फ्लुएंशियल पोएट्स थे कौन तो वो पोएट्स थे जॉन कीड्स और पीबी शैले बेसिकली सो जॉन कीड्स एंड पीबी शैले आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन रोमांटिक एरा एंड देख क्रिएटिविटी एंड पावर टू राइट ओर्ड एंड लिरिक पोएट्री तो इन दोनों में इन दोनों पोएट्स में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी थी बहुत ज़्यादा टैलेंट था ओर्ड्स लिखने का एंड स्पेसिफिकली देव्ड एंड रोट ड्यूरिंग रोमेंटिक एरा तो ओड मैंने आपको बताया एक लिरिक पोइट्री होती है उसी तरीके से ओड टू वेस्टविन भी है लिरिक पोम विच इज़ Praising, of course, वेस्टविंद तो it is written by P.B. Shelley in इन एटीन as it is written here, and इटली में लिखी गई थी ये पोएट्री उनके द्वारा और पब्लिश हुई थी एटीन ट्वेंटी में और जिस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी उसका नाम था Prometheus Unbound: A Lyrical Drama in Four Acts. So uh, it was originally published in इन

हवा कहीं भी पहुंच जाती है ना दुनिया के कोने कोने में हवा पहुंच जाती है उसी तरीके से पोएट चाह रहे हैं कि उनके आइडियाज़ भी हवा की तरह दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। नाउ लेट इस हैव अ लुक एट सम ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोएट्री जैसे कि आपके एग्जाम्स में अगर आर आती हैं तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएं सो so, यहाँ देखिए वो को देखिए ओ वाइल्ड वेस्ट विन डाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बींग Wind, दाउ ब्रेथ ऑफ Autumn's being, कितनी खूबसूरत लाइन है दाउ फ्रॉम हुज unseen प्रेजेंस द leaves डेड आर ड्रिवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एंशेंटर फ्री तो ये ओपनिंग स्टेंजा है इस पर्टिकुलर लाइन का इस पर्टिकुलर पोएट्री का जिसमें स्पीकर अपील कर रहे हैं वाइल्ड वेस्ट वेन्ट से द यूज ऑफ कैन यू सी कैपिटल लेटर्स दिए गए डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों कैपिटल में है तो द यूज ऑफ कैपिटल लेटर फॉर वेस्ट एंड इमीडिएटली सजेस्ट दैट ही इज स्पीकिंग टू द दिन एज दो इट फॉर अ पर्सन तो हम पर्सन के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं ना नेम प्लेस एनिमल थिंग नाउन्स के लिए हमें हमेशा बोला जाता है कि अगर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर्स यूज करिए तो शायद यहां भी विन को एज अ पर्सन यूज किया गया है He calls the wind the breath of autumn's being, thereby further personifying the wind and giving it the human quality of having breath. तो ऐसा लग रहा है कि विंड को माना गया है कि विंड के पास भी अपनी सांसें हैं, अपनी बृहद है। He describes the wind as having unseen presence. So, ऑब्वियसली विंड को हम देख तो पाते नहीं है लेकिन विंड की प्रेजेंस है हमारे आसपास हमेशा एयर होती है विंड होती है विच मेक्स एट सीम एस दो ही व्यूज द वि ऑफ यू कैन से गॉड और स्पिरिचुअल बींग जैसे गॉड हैं हमें नज़र नहीं आते कोई स्पिरिचुअल एंटिटी है हमें हमें नज़र नहीं आती उस तरीके से यूज uh, किया गया है किस क्या कोई सुपर नेचुरल पावर है ये विंड जो कि है लेकिन हमें नज़र नहीं आती सो वी कैन से इट रेफर्स टू दंड एज स्परिचुअल बींग दैट ड्राइव्स अवे डेथस एंड गोस्ट तो एक ऐसी स्पिरिचुअल बींग जो कहीं ना कहीं गॉड की तरह है अनसीन प्रेजेंस है उसकी और हमारी लाइफ से शायद बुरी चीजों को हटाती है इसीलिए यहां पर गोस्ट वर्ड यूज किया गया है नाउ हावे लुक एट दीज लाइन्स यहाँ पर विंड uh, को वाइल्ड स्पिरिट बोला गया वाइल्ड स्पिरिट ंग एवरी वे डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर हेयर ओ here तो डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है भक्षक किसी चीज को नष्ट करने वाला और प्रिजर्वर इस रक्षक तो हवा ही भक्षक भी है हवा ही रक्षक भी है हवा जब तूफान की फॉर्म में आती है तो पता नहीं कितने लोगों की जाने ले जाती है लेकिन वही हवा हमें शांति भी प्रदान करती है जब बहुत मौसम गर्म हो रहा होता है और हमें ठंडी ठंडी हवा की जरूरत होती है तो वही हवा हमें एक वरदान की तरह लगती है सो हियर द स्पीकर अगेन अपील्स टू द विंड कॉलिंग इट अ वाइल्ड स्पिरिट एंड व्यूइंग इट एज अ स्पिरिचुअल बींग विच डिस्ट्रॉय एंड गेट ऑल्सो प्रिजर्वस लाइफ ही इज आस्किंग द स्पिरिट टू हियर अपनी बात सुनने के लिए अपील कर रहे हैं इस विंड को टू हियर इट्स रिक्वेस्ट ही हैज नॉट येट मेड अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द विंड बट इट इज क्लियर दैट ही व्यूज इट एज अ पावरफुल स्पिरिचुअल बींग विच कैन हीयर हिम तो हमारे पोएट को ऐसा लगता है कि विंड जो है अपने आप में बहुत पावरफुल है जो कि हमारे पोएट की बातें सुन पाएंगी अब देखते हैं इन खूबसूरत लाइंस में क्या लिखा है ऑफ वेपर्स फ्रॉम हूस सॉलिड एटमोसफेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर तो ओ हियर एक इस तरीके का वर्ड आ रहा है इस पोट्री में बार बार जिससे आपको शायद आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी रहेगी ओके okay, यहां देखते हैं स्पीकर अब क्या डिस्क्राइब कर रहा है स्पीकर डिस्क्राइब्स द विंड एज द ब्रिंगर ऑफ डेथ तो हमारे स्पीकर को ऐसा लगता है कि जो ये हवा है ये शायद डेथ को भी लेकर आती है एंड ही हैज ऑलरेडी डिस्क्राइब इट एज डिस्ट्रॉयर इन प्रीवियस पैराग्राफ हियर ही डिस्क्राइब्स इट एज वन हु ब्रिंग्स ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल तो शायद सारी बुरी बुरी चीजें ब्लैक रेन फायर ये सारी चीजें विंड लेकर आती है एंड स्पीकर अगेन द विंड बेगिंग दैट इट वुड हिम तो यहाँ पर भी हमारे स्पीकर अपील कर रहे हैं कि स्प्रिंग प्लीज, प्लीज मुझे सुने जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट रहती है और एक डिस्ट्रॉयर की फॉर्म में रेन और फायर जैसी चीजें भी लेकर आती हैं अब आइए पढ़ते हैं इन लाइन्स को इफ आई वर अ डेड लीव दाउ माई टेस्ट पेयर इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विथ दी अ वेव टू पैन पीनीथ दाई पावर एंड शे तो यहां पर स्पीकर इमेजिन कर रहे हैं कि वो ऐसी क्या क्या एंटिटी हो सकते थे स्पीकर अदर देन द पोयट अदर देन द्यूमन जिससे कि विंड उनको इफेक्ट कर दी वो इमेजिन करते हैं पीबी शल इमेजिन करते हैं दैट ही वर अ डेड लीव विच द विंड माइट कैरी अवे अगर एक सूखी पत्ती होते राइटर हमारे तो विंड उनको बड़े आराम से कैरी करके ले जाती है विंड तो बहुत सूखी पत्तियों को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और अ क्लाउड विच द विंड माइट ब्लो तो हवा जो है अपने साथ साथ बादलों को भी उड़ा कर ले जाती है तो स्पीकर इमेजिन करते हैं कि या तो वो पत्ती होते या वो कोई बादल होते जिससे कि हवा उन्हें अपने साथ उड़ा कर ले जाती और अ क्लाउड विच द विंड माई ब्लू दिस इज वॉट ही सीज ही थिंक्स अबाउट वॉट इट वुड बी लाइक टू बी अ वेव एट द मर्सी पावर ऑफ द अगर हमारे स्पीकर एक वेव होते एक लहर का झोंका होते सिर्फ एक छोटी सी लहर होते तब विंड क्या करती तब भी विंड शायद उनको बहा कर ले जाती तो इतनी सारी चीजों पर लीफ पर क्लाउड्स पर वेव्स पर अपनी पावर आजमाती है ये विंड और उनको अपने बहाव के साथ बहाकर ले जाती है तो विंड की पावर को बेसिकली ग्लोरीफाई किया जा रहा है प्रेज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टेंजा में मेक मी डाई लायर इवन आज फॉरेस्ट इज व्हाट इफ माई लीड आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन द टूमल्ट ऑफ दाय माइटी तो यहां पर हमारे पोएट एक लायर बनना चाह रहे हैं दैट मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको कि वो विंड प्ले करे सो द स्पीकर बेक्स द विंड टू मेक हिम बी एट इट्स मर्सी एट इट्स एट इट्स कंट्रोल ही वॉन्ट्स टू बी लाइक अ लायर अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच विल बी प्लेड बाय द विंड If he, the poet, is the liar, then the west wind will play or carry his poetry to the new places and new times, and he wants to be like dead leaves as well, which fall to the ground and wind blows them away with it. The trumpet of prophecy. O wind, if winters come, can spring be far behind? ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी पहले समझते हैं होता क्या है प्रोफेसी हम कहते हैं कयामत का दिन जिस दिन सबका हिसाब किताब होगा सबके कर्मास के अकॉर्डिंग तो अकॉर्डिंग टू बाइबल दिस इज दियोरी व्हेन द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी इज ब्लोन क्राइस्ट इज बिलीव टू रिटर्न टू अर्थ एंड जज दी कर्मास ऑफ इनहेबिटेंट कर्मा ऑफ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड और हमारे स्पीकर कह रहे हैं कि विंट को अपना ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ब्लो करना चाहिए अपना uh, अपने हिसाब से तय करना चाहिए लोगों के कर्मास क्या हैं विद लास्ट टू वेस्ट द स्पीकर रिवील्स वाई हीज बेक द विम अवे इन डेट ही सेम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंडिसम तो हमारे पोएट शायद शायद कहना चाह रहे हैं कि विन उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाए चाहे मार भी दे उसके बाद भी एक होप बचेगी ही बचेगी ही डेस्पिरेटली होप्स दैट ही माइट लीव बिहाइंड हिज डाइंग बॉडी एंड एंटर इन टू अ न्यू लाइफ आफ्टर हिज डेथ तो आइए आप जानते हैं इस पोएट्री की बेसिक थीम क्या है बेसिकली सबसे बड़ी बात तो हमारे स्पीकर विंड से बातें कर रहे हैं परसोनीफाई कर रहे हैं विंड को इन दिस पोएट्री द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस विंड एंड द स्पीकर ट्रीट्स द वेस्टविन एज अ फोर्स ऑफ डेथ एंड डी के एंड वेलकम्स दिस डेथ एंड डी के बिकॉज इट मीन्स रिज्यूवनेशन एंड रीबर्थ विलकम सून तो रिफ्रेशमेंट जा रहे हैं पोइट किसी तरीके से अपनी इस लाइफ में उनको लगता है कि मरने के बाद उनकी लाइफ में कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा आफ्टर लाइफ की फॉर्म में आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस टू जॉइन आवर क्लासेस आज पर द गिवन नंबर